बड़ी ब्रेकिंग न्यूज, हांसी में बड़ी चोरी की घटना। हांसी में देर रात्रि को चोरों ने एक मोबाइल गैलरी की दुकान का ताला तोड़कर 10 लाख के महंगे मोबाइल चोरी करके चोर फरार हो गए हैं। आज प्रातःकालीन जब दुकान स्वामी ने को चोरी होने की सूचना मिली तो वो दुकान पर पहुंचा, उनका ताला दुकान का टूटा हुआ मिला। उन्होंने तुरंत इसकी सूचना पुलिस को दी। पुलिस ने मौके पर पहुंचकर जांच शुरू कर दी है। घटना की खबर मिलते ही हांसी से विधायक विनोद भैणा भी मौके पर पहुंचे। इतना ही नहीं, चोरी होने की सूचना मिलने पर भारी संख्या में लोग वहीं इकट्ठे होने शुरू हो गए और उन्होंने प्रशासन के खिलाफ रोष व्यक्त किया। सब व्यापार मंडल के प्रधान बजरंग बंसल व युवा नेता विनोद मेहता, राजीव शर्मा, हिंदू महासभा के युवा उप प्रधान सन्नी अलावती सहित भारी संख्या में लोगों ने रोष व्यक्त करते हुए कहा कि अगर जल्दी पुलिस प्रशासन ने चोरों को नहीं पकड़ा और माल बरामद नहीं हुआ तो शहर में हम धरना प्रदर्शन करेंगे। अंदर कितने लाख की चोरी हुई जी? नहीं है, तकरीबन 10-1 लाख बाकी। क्या नाम है सर आपका? केवल कृष्ण। तो आपको कैसे पता चला चोरी का? सुबह पड़ोसी अंकल आए, उन्होंने फोन किया। तो क्या कुछ गया है? सभी कंपनियों के एंड्रॉइड मोबाइल चले। वीआईपी वो भी आ रहे थे, ग्रोवर साहब का ही फोन आ लिया था, कहीं भी कोई सुनवाई नहीं हुई। इस केस में हम 2 दिन इंतजार करेंगे जी। नुकसान है मैक्सिमम 8-10-12 लाख का। इसकी अगर वैल्यूएशन निकाल लेंगे तो इन बंदों का पूरी साल का वो चला गया। कितना बंदा वो बेसिक सबको पता है, पूरा वो चला गया जी। 2 दिन इंतजार करेंगे जी, फिर सलाह करके पहली बार तो बैठेंगे। सभी सामाजिक संगठनों से, व्यापारी संगठनों से अपील है कि हमारे साथ आए। जितना चल पाएगा इलेक्ट्रॉनिक मार्केट होगी सारी, हम शांतिपूर्वक बंद करेंगे पहले 1-2 दिन। अगर कुछ नहीं मिलता फिर आपस में राय मशवरा करके, चाहे हमें रोड जाम करना पड़े, 2-4 मुकदमे और लग जाएं, हमें कोई दिक्कत नहीं है। आज आप बंद करोगे क्या? आज हम बंद नहीं कर रहे जी, प्रशासन को आराम से 2 दिन का टाइम दे रहे हैं। आप कह रहे हो ना 1-2 दिन बंद करेंगे? 1-2 दिन बाद प्रशासन अपनी कार्रवाई करे जी। हाँ, और लगभग जी जी साहब, सॉरी, मैं लोकेशन में थोड़ा फोकस किया जाएगा तो वो हो जाएगा जी। लंबे टाइम बाद हुआ तो कुछ कवर नहीं हो पाएगा जी। हाँ, और यही प्रशासन से हाथ जोड़ के उम्मीद करवाते हैं जी। प्रधान हो? हाँ जी, मोबाइल मोबाइल प्रधान है। मोबाइल पूरी तरह से मोबाइल लाइसेंस के साथ है। मोबाइल लाइसेंस के अलावा जितनी भी चोरियां हुई है उनको बरामद करने की जो है प्रशासन से मांग करती है। अगर किसी भी प्रकार की बरामदगी नहीं होती तो 2 दिन का अल्टीमेटम दिया है। मोबाइल ऐसे हम के साथ है जो ये कदम उठाएंगे। देखो, प्रशासन यही खड़े हैं। आप ये तो फाइनल मान के चलो कि चोरियां बहुत हो रही है। अगर चोरी नहीं मिलती, मोबाइल मार्केट वाले जितने भी हैं हम इनके साथ हैं। ये जैसे भी कहेंगे इनके लिए तैयार खड़े हैं। बंद करेंगे चाहे रोड जाम करेंगे, इनसे कहीं भी पीछे हटने का काम नहीं करेंगे। इनकी चोरी ढूंढवा के मानेंगे। आजकल चोरियां बहुत ज्यादा बढ़ रही है और बीजेपी सरकार है, क्या उनको इसका? देखो, सरकार बीजेपी है, प्रशासन यही खड़ा है। प्रशासन की खिंचाई होगी, प्रशासन को बोला जाएगा। और आज कहीं ना कहीं प्रशासन से बात भी करते हैं, डीएसपी साहब से, एसपी साहब से। एक्सपर्ट को बुलाया गया है, कदम उठाए जाएंगे। अभी इससे पहले 3-4 चोरी होती पड़सी गेट में, कर लो उन्होंने भी कई दिन तक रोड भी जाम किया, धरना भी लगाया, रास्ते भी बंद किए, पर रात तक कोई कार्रवाई नहीं।